अस्सलाम वालेकुम अलुम्मा टीवी में खुश आमदीद नाजरीन, आज का पहला न्यूज अपडेट निकल के आता है अफगानिस्तान से, जहां पर अफगान सदर अशरफ गनी ने कहा है कि अगर अफगानिस्तान में सदारती इंतखाबात होते हैं तो मैं अपने अहदे से दस्तबरदार होने के लिए तैयार हूं। उन्होंने एक समिट से खिताब करते हुए कहा कि मैं अफगानिस्तान में इलेक्शन के जरिए मसाइल का हल चाहता हूँ और ये मेरे लिए खुशी होगी कि मैं अपना इख्तदार उन लोगों को सौंप दूँ जो इलेक्शन के जरिए मुंतखब हुए हैं, क्योंकि इससे ये बात सामने आएगी कि अवाम तालिबान को सपोर्ट करते हैं या नहीं। और नाजरीन, देखा जाए तो ये एक अच्छी तजवीज है। अब इलेक्शन करवा दे और लोगों का पता चलेगा कि वो किनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन तालिबान ने इस तजवीज को मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि ये इलेक्शन तो महज एक बहाना है और तालिबान जानते हैं कि इलेक्शन के जरिए तो पूरी दुनिया से शैतानी मशीनरी हरकत में आएगी और तालिबान से धोखा करेगी, क्योंकि पूरी दुनिया एक इस्लामी रियासत से डरती है और इन्हें पता है कि अगर एक बार खिलाफत वजूद में आता है तो हम मुसलमानों का बाल भी बिकाना कर सकेंगे, जो कि अब करोड़ों की तादाद में मुख्तलिफ ममालिक में कैंप्स में अपनी मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं। और जिस तरह पूरी दुनिया से इतिहाद सलीबियों ने मिलकर अफगानिस्तान से अमारत इस्लामी के खात्मे के लिए अफगानिस्तान पर हमला किया, इस तरह वो इलेक्शन में अपने हथकंडे इस्तेमाल करके अशरफ गनी के अमरीकी कठपुतली हुकूमत दोबारा बहाल करेंगे। और इसी तरह पहले हुआ भी, और सबसे अहम मिसाल अमेरिका की है, जहाँ पर ट्रंप की हुकूमत बनाने में भी रूस ने किरदार अदा किया था। इसलिए तालिबान ने इस तजवीज को मुस्तरद कर दिया है। नाजरीन, अगर आप अफगान पीस प्रोसेस के हवाले से अपडेट्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, आज का दूसरा न्यूज अपडेट निकल के आता है सऊदी अरब से, जहां पर हौसी बागियों के तर्जुमान ने कहा है कि हमने सऊदी के कैपिटल रियाज पर ड्रोन हमले कर दिए हैं, लेकिन सऊदी से अभी तक इस पर कोई जवाब सामने नहीं आया कि हमले कहां हुए हैं और कितने लोग इससे मुतासिर हुए हैं। लेकिन सऊदी अपने कंट्रोल मीडिया की वजह से सिर्फ वो चीजें सामने लाता है जो सऊदी हुकूमत चाहता है। अगर इनसे कोई जवाब आता भी है तो वो कहेंगे कि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। नाजरीन, ये हमले उस वक्त हो रहे हैं जब सऊदी सीज फायर के लिए रास्ते तलाश कर रहा है, तो इससे लगता है कि ये हौसी बागी सऊदी पर इतनी गुस्सा है। और पिछले कुछ हफ्तों में आपने देखा होगा कि हमलों में मुसलसल इजाफा होता रहता है, क्योंकि एक तो अमेरिका ने सऊदी की सपोर्ट यमन जंग में जोड़ दी है, और लगता तो ऐसा है कि अमेरिका अब हौसी बागियों को सपोर्ट भी कर रहे हैं। हौसी बागी अक्सर सऊदी के तेल के तनसीबात पर हमले करते रहते हैं ताकि वो सऊदी के मईशत को नुकसान पहुँचाए। और पिछले दिनों तो आरामको के एक कंपनी में मिजाइल लगने से आग भी भड़क उठा था, जिसके बाद सऊदी ने मुतअद्दद मिजाइल यमन पर दाग दिए थे और यमन के अहम मकामात को निशाना बनाया गया था। अब यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से भी सीज फायर के लिए कोशिशें की जा रही है ताकि यहाँ अमन लाया जा सके, लेकिन हौसी बागियों ने अपने हमले जारी रखे हुए हैं और इनका कहना है कि सऊदी ने 6 साल तक यमन में तबाही की है, जिसके जवाब में वो ये हमले करते रहते हैं। नाजरीन, आज का तीसरा न्यूज अपडेट निकल के आता है म्यांमार से, जहां पर म्यांमार के मिलिट्री ने 43 बच्चे अभी तक मार दिए हैं। इस नई रिपोर्ट के मुताबिक मिलिट्री ने इस वक्त जुल्म की इंतहा क्रॉस करते हुए बहुत सारे बच्चों को भी अपनी गोलियों का निशाना बनाया। सोर्सेज के मुताबिक उन्होंने एक साल बच्चे के आंख में रबड़ गोली मार दी, जिससे वो मर गया। नाजरीन, म्यांमार इस वक्त बड़े खतरनाक हालात का सामना कर रहा है और वहाँ के फौज ने पूरा मुल्क मैदानी जंग में तब्दील कर दिया है, और यही सब हमें उस वक्त देखने को भी मिला था जब म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ टूट रहे थे, और ये आवाम न सिर्फ खामोश थे बल्कि इसी फौज के साथ खड़े थे और उन मजलूमों पर हर तरह के मुजालिम डालते रहे, और फिर वो एक बड़ी तादाद में बांग्लादेश पहुँच गए, और अब वही सब म्यांमार के आवाम से हो रहा है और आवाम इसी तरह के मुजालिम का सामना कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें दिखा दिया कि अजाब कैसा होता है। अब तो फौज उनके बच्चों को भी माफ नहीं करते और न बूढ़ों को, और जुल्म में तो वो इस इंतहा तक पहुँचे है कि उन्होंने एक साल बच्चे को भी माफ नहीं किया, और अब ये तशद्दुद कहाँ जाके खत्म होगा हम ये नहीं कह सकते। नाजरीन, अगर आप रोजाना की बुनियाद पर पूरी दुनिया से बड़े खबरें देखना चाहते हैं तो अलुमा टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।